अभी तक हम ना पाइनल ग्लैंड पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं, पाइनल ग्लैंड ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस जो है ये भी ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है जस्ट बिलो ब्रेन, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये होता है हमारे विंड पाइप से अटैच होता है, इट इज़ अटैच टू विंड पाइप। ये लोकेशन याद रखना कहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, इट प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। एक तो थायरोक्सिन सीक्रेट करता है और एक कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट होता है उसे इंक्रीज करने का काम होता है। इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इनसाइड आवर बॉडी। तुमने देखा होगा लोग कहते ना कि कोई आदमी मोटा हो गया बहुत ज़्यादा, तो कहते उसे थायराइड का टेस्ट करा लो। क्यों टेस्ट करवा लो थायराइड का, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट जो है ना उसको इफेक्ट करता है। जो मेटाबॉलिक रेट है यानी कि खाना पचाने का, कौन कौन सी चीज़, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, इन्हें डाइजेस्ट करने में जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है, थायराइड ग्लैंड का होता है। ठीक है, तो इसीलिए थायराइड का टेस्ट करवाने को कहा जाता है जो लोग मोटे होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मोटे लोगों को थायराइड होता है, कई बार क्या होता है जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, पतले पतले लोग होते हैं, उन्हें भी थायराइड होता है, उन्हें नेगेटिव थायराइड होता है, यानी कि वो उनकी ग्रोथ नहीं होने देता, यानी कि उनके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म का रेट जो है ना बहुत कम हो जाता है, तो जो भी चीज़ वो खाते हैं ना वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, वो वेस्ट हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन स्लो डाउन देयर ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। अगर बच्चों में थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी और एक मेंटल डेवलपमेंट कम हो जाएगा। ये एक बीमारी है, इसे हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्या है ये, क्रिटिनिज्म। अब फंक्शन क्या होता है कैल्सिटोनिन का, थायरोक्सिन का पढ़ लिया, कैल्सिटोनिन जो है ना अपोजिट टू पैराथॉर्मोन, एक ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसके अपोजिट काम करता है ये, कौन, कैल्सिटोनिन। एक्चुअल में जो कैल्सिटोनिन है वो डिक्रीज करता है लेवल ऑफ कैल्शियम, और जो पैराथॉर्मोन है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को। अब आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, देर आर फोर स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड एम्बेडेड इन थायरॉयड ग्लैंड। जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड है उसी के अंदर जो है धसे हुए हैं, जैसे मान लो ये थायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, तो इसके अंदर चार जो है ना पैराथायरॉयड ग्लैंड फंसे हुए हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे कहते हैं हम पैराथॉर्मोन। अब इसका फंक्शन क्या है, जो कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल है ब्लड में उसे रेगुलेट करने का काम करता है, कौन, पैराथॉर्मोन। तो इसमें हमने पढ़ा थायरॉयड ग्लैंड रिलीज करता है थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन किसके लिए ज़रूरी है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए, और कैल्सिटोनिन किस लिए ज़रूरी है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने के लिए। पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट करता है पैराथॉर्मोन, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को ब्लड में।